हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, मेरे पास नंबर, आप स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि क्या एग्ज़ाम का पोस्टपोन्ड होना ही प्रॉपर सोल्यूशन है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बहुत सिंपल शब्दों में बता दूँ कि हम सभी यूट्यूबर्स या जो बच्चे भी सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इसी का उद्देश्य ये नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, सभी चाहते एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो और उसके कई कॉज हैं। देखिए, COVID-19 एक वैश्विक महामारी है, वो नो डाउट आप सभी देख रहे हैं, जो पेशेंट हैं वो नियर अबाउट जो है वो 27 लाख हो चुके हैं, हर दिन 50,000 प्लस पेशेंट इनक्रीज होते हैं। लेकिन कोविड के अलावा एक सबसे बड़ी समस्या जो भारत में है वो इस समय फ्लड चल रहा है। यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ना जाने कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर फ्लड है और लाखों बच्चे ऐसे जो फंसे हुए फ्लड में, वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, घर में उनके रहने की जगह नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये मानना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। अगर एग्ज़ाम अपकमिंग एक महीने दो महीने बाद होगा तो शायद कम से कम भारत में फ्लड का जो ये प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगा। जब फ्लड नहीं रहेगा तो कम से कम 2 लाख बच्चे जो अभी स्टडी से दूर हैं वो तो स्टडी कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर बेहद हैरानी होगी आपको कि जम्मू कश्मीर अभी एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी ट्रेवल का कोई मीडियम नहीं, वहां भी कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 ये जम्मू कश्मीर से हटाया गया तब से लगातार वहाँ पर कर्फ्यू चल रहा है, वहाँ पर सोशल मीडिया की चीज़ें नहीं है, वहाँ पर नेटवर्किंग नहीं है, वहाँ भी फ्लड चल रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। दोस्तों, मेरी बात छोड़िए, अगर आप एक्स डायरेक्टर जो एम्स के थे, सर ने भी यही कहा था कि एग्ज़ाम अगर डिले होता है एक महीने दो महीने और, इन एग्ज़ाम अगर नवंबर दिसंबर में कंडक्ट होगा या जनवरी में कंडक्ट हो सकता है तो भी सेशन पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज यहाँ पर एक वैश्विक महामारी है और संविधान में ये मेंशन भी कि अगर कभी ऐसा कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आता है तो एग्ज़ाम को 2-4 महीने डिले कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम सभी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट को कोविड के साथ में फ्लड को भी देखना चाहिए, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का एक अभिन्न पार्ट है वहाँ के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और सब सारी बातों को सोच कर समझ कर तब डिसीजन लेना चाहिए एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो या ना हो। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि हम सभी चाहते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट हो, हर हाल में कंडक्ट हो, लेकिन तब हो जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से अगर मैंने कोई गलती की हो तो आप सभी क्षमा चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।